सनसनी ऑफ इंडिया। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज के एसीपी अत्तर सिंह की सुपरविजन और दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हूर व इंस्पेक्टर करमवीर की टीम को दक्षिणी दिल्ली में सट्टा चलाना और सट्टा का पैसा इकट्ठा करने में अपने गैंग का वर्चस्व बनाए रखने के लिए विरोधी गैंगस्टर दीपक पंडित के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गैंग के सदस्य कपिल पनवार की कार पर दिनांक 16 फरवरी 2022 को लाजपत नगर मार्केट में दिन दहाड़े दनादन गोलीबारी करके फरार गैंगस्टर नीरज बवाना और गैंगस्टर नवीन उर्फ भांजा गैंग के दो कुख्यात गैंगस्टर और शार्पशूटर शिवेक सिंह उर्फ शिब्बू व सौरभ उर्फ गौरव को दबोचने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति वर्ष 2018 में थाना लाजपत नगर इलाके में हत्या के प्रयास के एक मामले में भी वांटेड थे। इन मामलों के अलावा गैंगस्टर व शार्पशूटर सुबेग उर्फ सिबू जमानत के बाद तीन मामलों में तारीखों पर नहीं जा रहा था। इन तीन केसों में कोर्ट से जल्द ही भगोड़ा घोषित होने वाला था। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के पास से .32 की दो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज के दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून की टीम लाजपत नगर मार्केट गोलीकांड के बाद से ही गैंगस्टर नीरज बवाना और गैंगस्टर नवीन उर्फ भांजा गैंग के कुख्यात शार्पशूटर शिवेक सिंह उर्फ शिब्बू व सौरभ उर्फ गौरव की मूवमेंट्स व एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए थी। आरोपी लाजपत नगर मार्केट गोलीकांड के बाद से ही अंडरग्राउंड हो गए थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने साथ मोबाइल रखना बंद कर दिया था। दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून की टीम ने आरोपियों को दबोचने के लिए मुखबिरों को जाल बिछा दिया था। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज की एक टीम टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस से आरोपियों के परिवारजनों, दोस्तों व रिश्तेदारों पर नजर रखे हुए थी। दो महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार टीम के हाथ सफलता लग ही गई। टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस से टीम को पता चला कि 5 मई की सुबह गैंगस्टर व शार्पशूटर शिवेक सिंह उर्फ शिब्बू अरबिंदो कॉलेज मालवीय नगर के पास अपने किसी परिचित से मिलने आएगा। इन्फॉर्मेशन कंफर्म होते ही जसमीत सिंह डीसीपी स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज एंड नाकोर टेरर ने अत्तर सिंह एसीपी स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज की सुपरविजन और दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम ने अरबिंदो कॉलेज मालवीय नगर के पास ट्रैप लगा दिया। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक गैंगस्टर व शार्पशूटर शिवेक सिंह उर्फ शिब्बू आता हुआ दिखाई दिया। टीम ने शिवेक सिंह उर्फ शिब्बू को दबोच लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से .32 की एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। शिवेक सिंह उर्फ शिब्बू की निशानदेही पर उसके दूसरे साथी सौरभ उर्फ गौरव को अरुण जेटली पार्क बीआरटी कॉरिडोर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय इसके पास से 4 जिंदा कारतूस के साथ .32 की एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई। दोनों आरोपियों की पहचान गैंगस्टर नीरज बवाना और गैंगस्टर नवीन उर्फ भांजा गैंग के सक्रिय शार्पशूटरों के रूप में हुई है। 31 वर्षीय गैंगस्टर व शार्पशूटर शिवेक सिंह उर्फ शिब्बू पुत्र गुरबख्श सिंह मकान नंबर 112 मस्जिद रोड भोगल जंगपुरा का रहने वाला है। दूसरा शार्पशूटर 30 वर्षीय सौरभ उर्फ गौरव पुत्र नरेश कुमार मकान नंबर S61/101 नेहरू नगर लाजपत नगर का रहने वाला है। गैंगस्टर व शार्पशूटर शिवेक सिंह उर्फ शिब्बू ने दिनांक 16 फरवरी 2022 को अपने 8 गुर्गों के साथ लाजपत नगर इलाके में गैंगस्टर दीपक पंडित के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गैंग के सदस्य कपिल पनवार को रास्ते में घेरकर कातिलाना हमला किया और कई किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ाकर बेरहमी से पीटा। आरोपितों ने कपिल पनवार को निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग भी की थी, लेकिन वो सौभाग्य से बाल बाल बच गया। आरोपियों ने बताया कि कपिल पनवार पर हमले का मकसद गैंगस्टर नीरज बवाना और गैंगस्टर नवीन उर्फ भांजा के निर्देश पर दक्षिणी दिल्ली में अपराध की दुनिया में सट्टा चलाना और सट्टा खिलाने वालों से रंगदारी मांगकर पैसा इकट्ठा करने में अपना वर्चस्व दिखाना था। लाजपत नगर गोलीकांड में क्राइम ब्रांच आर के पुरम की टीम गैंगस्टर व शार्पशूटर शिवेक सिंह उर्फ शिब्बू के कई गुर्गों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन शिवेक सिंह उर्फ शिब्बू वांटेड चल रहा था। जांच में पता चला कि गैंगस्टर व शार्पशूटर शिवेक सिंह उर्फ शिब्बू की लंबी क्राइम हिस्ट्री है। शिवेक के खिलाफ पहले से ही हत्या के प्रयास, हमला, रंगदारी, धमकी व आर्म्स एक्ट के 3 मामले अदालत में विचाराधीन है। आरोपी शिवेक सिंह उर्फ शिब्बू इन मामलों में काफी लंबे समय से तारीखों पर नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से अदालत द्वारा इन मामलों में भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। जांच टीम को यह भी पता चला कि गैंगस्टर नीरज बवाना और गैंगस्टर नवीन उर्फ भांजा के आदेश पर दिनांक 26 मार्च 2018 को लाजपत नगर में पिसोरी चिकन के मालिक सचिन बब्बर से रेस्टोरेंट चलाने के नाम पर रंगदारी मांगी। रेस्टोरेंट के मालिक सचिन बब्बर के पैसे देने से मना करने पर सुबेग ने अपने साथियों के साथ रेस्टोरेंट मालिक सचिन बब्बर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें सचिन बब्बर और एक अन्य गगन बाबू नामक व्यक्ति घायल हो गए थे। जसमीत सिंह डीसीपी स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज एंड नाको टेरर ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी कुख्यात गैंगस्टरों नीरज बवाना और नवीन भांजा के सक्रिय सहयोगी हैं।
दोनों नीरज बवाना के निर्देश पर दिल्ली NCR खासकर दक्षिणी दिल्ली में वारदात को अंजाम देते रहते हैं। गैंगस्टर नीरज बवाना और नवीन भांजा के साथ सुबेग सिंह को इससे पहले वर्ष 2019 में थाना कंझावाला के इलाके में गोलीबारी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब इन्होंने अपने एक प्रतिद्वंद्वी पर गोलीबारी की थी। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।